तो गाइज, अभी जो वीडियो आपने देखा था, लास्ट जो वीडियो था मूविंग सीरीज का, जिसमें हमने दो घर चूज करे थे, उसमें आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे। और दीपक, पता है तुम्हें, सबने कमेंट किया कि गाँव में मत रहो, बोर हो जाओगे। विद एग्जाम्पल कि कुछ लोग गाँव में रहते हैं, 10 किलोमीटर्स दूर रहते हैं। तो हाँ, दीपक और मुझे भी लग रहा था ऐसा। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो देखो, जिसमें हम मेटजिंगन सिटी में ही एक घर देखने वाले हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने कमेंट किया। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि अभी भी स्नो है। नहीं, ये 3 वीक पुराने वीडियोस हैं, हम लोगों के पास बहुत कम टाइम है। बट हम इस सीरीज में आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लेना, घर ढूंढना, घर कैसे मिलते हैं यहाँ पर। एंड क्योंकि हम शिफ्ट कर ही रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों को दिखाने के लिए, जो लोग नए आने वाले हैं या जिनको सीरीज देखना ही है कि भाई घर कैसे चेंज करते हैं। तो यही मकसद था हमारा इस सीरीज को बनाने का। तो अब ये वाला देखो, जिसमें हम मेटजिंगन जाने वाले हैं। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू। और अब ये वाला भी घर देखना और फिर बताना कौन सा आपको अच्छा लगा। सिंगल सिटी में, जो कि खाली है, पर खाली बहुत सुंदर दिख रही है। ये देखो, सुपर ड्राई कॉनवर्स, खाली देखी नहीं है कभी। हाँ, यार हमने कभी स्नो में भी नहीं देखी इसको। ये देखो, आपको जितने सारे ब्रांड्स दिखेंगे एकदम इस वाले फ्रेम में। तो मैंने एक बार वीडियो भी लिया था। यहाँ पे समर का कोई वीडियो है क्या? कैसे सन्नाटा छाया हुआ है इसमें। इन सब शॉप्स में घुसने के लिए लाइन लगती थी। वॉक करने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, यहाँ रहना ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि हम लोगों ने पूरा राउंड लिया, वॉक किया, एंड हमें क्लियरली डिफरेंस समझ में आया सिटी वर्सेस गांव। एंड हम लोग शायद गांव में रहने वाले लोग हैं नहीं, और हमें थोड़ा एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो आई थिंक मेरा भी मन अब मेटजिंगन की तरफ ज़्यादा जा रहा है देन गाँव की तरफ। दीपक, आई विल एग्री विद यू। ये दीपक मेटजिंगन ये भी नहीं है, ये ग्राफेनबर्ग है, पर बहुत ही पास है ना, 1-2 किलोमीटर ही शायद होगा। बट ये बहुत रेसिडेंशियल लग रहा है मुझे, है ना। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि घर का एड्रेस जो है वो गलत दे दिया था, और हम लोगों को ये घर बहुत अच्छा लग गया था। अब हम दूसरे एड्रेस पे जा रहे हैं।
जर्मन में बोल रही थी इसलिए हम लोगों ने उसका लिया नहीं। तो ये वाला जो घर लिया था ये है तो मेटजिंगन में ही, पर घर थोड़ा पुराना टाइप का है लेकिन अच्छा स्पेस है। बहुत है, घर अच्छा है, बालकनी है बढ़िया। हाँ। लेकिन किचन का हमें पे करना पड़ेगा शुरू में 1000 यूरो किचन लेने के लिए, क्योंकि जो रह रही है अभी बंदी वहाँ पर उसकी किचन है ये। तो यहाँ तो हम बोल दें कि नहीं तुम अपनी किचन ले जाओ, अपनी अलग से खरीदेंगे या इसी के 1000 यूरो पे कर दें। और वहाँ पर डिशवॉशर नहीं है तो डिशवॉशर भी खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ होती है लाइक किचन जो है वो लोग अपना ही लगाते हैं अपने हिसाब से, तो ज़्यादातर लोगों के पास किचन होता है इसलिए जब भी वो वहाँ से छोड़ते हैं तो अपना जो किचन है वो ले जाते हैं। तो सारा बना हुआ किचन होता है, स्लैब्स होते हैं, वो जहाँ भी जिस भी घर में जाते हैं वो लगा लेते हैं। तो एक चीज़ है बस ये, तो 1000 यूरो में इन्वेस्ट करना प्लस डिशवॉशर में। और एक मुझे हेडेक ये भी लगी सुरभि कि इसमें लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट नहीं, फोर्थ फ्लोर पे अपार्टमेंट। हाँ, और बहुत ही जैसे यूरोपियन घर होते हैं बहुत छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, आपने वीडियो में देखा ही होगा, मैंने छोटी सी वाट लग जाएगी ऊपर वॉशिंग मशीन। हाँ, और बाकी कुछ सामान लेना है तो उसके लिए। हाँ, तो थोड़े इस घर में मुझे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं। बस ये है कि इसमें स्पेस ज़्यादा था। हाँ। एक ऑफिस रूम था। हाँ। एक मतलब बेडरूम था और बालकनी थी, लेकिन वो जो स्पेस था वो मुझे मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मतलब मज़ा नहीं आया एक्चुअली। हाँ, देख के बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपन मॉडर्न थोड़ा नए घर में रह रहे हैं और जो देखा था वो भी नया सही था। हाँ। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं, और सर्च करेंगे अभी और देखेंगे। और ये अभी आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, ये लोग डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपका कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं, लाइक आपने जो भी सैलरी स्लिप्स मांगते हैं, 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद शुपर रिपोर्ट, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट जो होती है ना अपने यहाँ। हाँ हाँ, उसे क्या बोलते हैं, शुफा रिपोर्ट, जो कि क्रेडिट रिपोर्ट होती है वो मांगते हैं। एंड इसके अलावा तो कुछ नहीं मांगते हैं ना, बस ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए। और एक घर को देखने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत सारे लोग आते हैं, तो अगर सही टाइम पे नहीं बोलो तो चला जाता है, बट हम थोड़ा और शायद टाइम लेने वाले हैं देखने के लिए। हम थोड़ा और बाकी आप लोग बताना, मतलब इट्स वर्थ की किचन खरीद लिया जाए, बिकॉज फिर अगर घर चेंज करेंगे तो फिर से वही हेडेक है। हाँ, किचन की। हाँ, वही फिर से निकालो, शिफ्ट करो। हाँ, किचन तो घर ऐसा देखना है जिसमें किचन हो ऑलरेडी। हाँ, तो जो दो पहले घर देखे थे उनमें किचन थी। हाँ, और जो लोग यहीं के होते हैं उनके लिए शायद इजी होता होगा, हमारे लिए क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट करने के भी बहुत चोचले हैं यार, बहुत पैसे ले लेते हैं। हाँ, ये देखो सामने मजे, एक साइकिल वाला आ रहा है, उसके पीछे रेल लगी हुई है, ओवरटेक नहीं कर सकते उसको। ये देखो रेल लगी हुई है पूरी, पर उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, साइकिल को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आपके पास प्रॉपर स्पेस नहीं है आप ओवरटेक नहीं कर सकते। अच्छा, साइकिल वाले की भी इज्जत है बराबर, अपने तो हॉर्न दे दे के मार दे उसे। देखो अब ये हमें, ये देखो अब हम इसको आगे नहीं बढ़ सकते, इसके पीछे पीछे हमें क्लियर विजन ना मिले ओवरटेक करने का। तो गाइज आज की स्टोरी ये थी, बता दी आपको जो भी था। अब देखते हैं अगले सैटरडे फिर से हंटिंग के लिए निकलेंगे, हाउस हंटिंग के लिए। मज़ा आया, दिन अच्छा निकला, और आप लोगों के फीडबैक का ज़रूर मैं वेट करूँगी। ये जो घर था ये 900 यूरो का था, बट डेफिनेटली ये तो हम नहीं ले रहे, उन दोनों के बारे में सोचेंगे घर जाके। और ठीक है गाइज, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये जो हमारी न्यू जर्नी है, न्यू मतलब इट्स अ न्यू स्टार्ट यही समझ लो, उसमें हमारा साथ दो। जस्ट 3-4 चीज़ें ही करनी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना है, और धीरे धीरे हम आपको सारी प्रोसेस बताते जाएंगे।
आप अगर नए आ रहे हो तो आपको भी सेम प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, एंड आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा इस सीरीज़ को फॉलो करना, एंड प्लस हम तो अपने मज़े ले ही रहे हैं इसमें. चलो बाय बाय, टेक केयर.